नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार जितना सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है, जिम्मेदार अधिकारी उतनी ही व्यवस्थाओं में लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। जी हां, मामला लखनादून में शासकीय अस्पताल का है, जहां लखनादून के जयप्रकाश वार्ड क्रमांक 14 का है, जहां राहुल ठाकुर अपनी पत्नी पूजा को लेकर शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां दोपहर में स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म होते ही परिवार में खुशी का माहौल था और नर्स की एक गलती ने माहौल को गमगीन कर दिया। नर्स क्रिस्टीना ने बच्चे को वैक्सीन BCG पोलियो का इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद ही इंजेक्शन ने रिएक्शन कर दिया। पिता राहुल ने तुरंत अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन डॉक्टर का पूरा स्टाफ अपनी मस्ती में मस्त था। लस्सी का आनंद लेते हुए किसी ने एक बाप की पीड़ा को नहीं सुना और कुछ समय बाद उसका बच्चा खत्म हो गया। खुशियों के माहौल में माँ बाप के ऊपर मानो डॉक्टर रूपी यमराज आ गए हों। जैसे ही परिवारजनों ने शोर शराबा किया तो भीड़ इकट्ठी हो गई। इस पूरी घटना की शिकायत लखनादौन SDM तहसीलदार और TI से की गई, जिसके बाद प्रशासनिक अमला जिला अस्पताल पहुंचा और कार्यवाही शुरू की गई। अब देखना यह है कि इसके ऊपर आखिर क्या कार्यवाही होती है, क्या एक पिता को मिल पाएगा इंसाफ। मेरे बच्चे को मैं सुबह 5 बजे करीब लेकर आया था सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे सुबह डिलीवरी हुई, डिलीवरी करीब 9 बजे हुई, तो स्वस्थ बच्चा हुआ मेरा, तो जिससे दोपहर के 2 बजे तक बच्चा स्वस्थ रहा था। और उसके बाद टीकाकरण इंजेक्शन जो लगता है सर, तो उसके कारण उसके लगने के बाद मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। अच्छा, डिलीवरी के लिए कुछ पैसे ऐसे भी? जी सर, डिलीवरी के लिए 1500 से 2000 से करीब ऐसे कुछ पैसे लिए थे। टीकाकरण के लिए संबंधित जो स्टाफ नर्स है उनके द्वारा टीकाकरण कराया गया, और टीका होने के कुछ देर तक के बाद जब बच्चा मूव नहीं कर रहा था, तो जो पीड़िता पूजा है उसकी सास ने उनको बताया कि ये बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो उसके बाद डॉक्टर टेकाम जो है वो जो यहाँ पर थे उन्होंने इसको देखा और उन्होंने पाया कि बच्चा जो है वो मर चुका है। तो इसके बाद अभी वर्तमान में हमने 2 डॉक्टरों की सदस्यीय टीम जो है उसके माध्यम से इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, और अंडर वीडियो सर्वेलेंस पोस्टमार्टम हो रहा है, और इसके अलावा जो इसका विसरा है और ये सब, इसको भी सागर जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि मृत्यु का एक्चुअल कारण पता लग सके, और यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। लखनादौन से विकास ट्रेन की रिपोर्ट।